चंद्रयान मिशन 2। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, लोगों के मन में आशंका जो है बढ़ती जा रही है। क्या हमारा मिशन यह सफल हो पाएगा? क्या यह मिशन असफल रहेगा? क्या लैंडर से संपर्क हो पाएगा? तमाम तरह के सवाल जो है मीडिया में और लोगों के मन में प्रश्न उठा रही है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसी है वो इस पे मेहनत कर रही है, और हमें उम्मीद करना चाहिए कि यह जो मिशन है ये सफल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार। अगर आप लोग अपने साइंटिस्ट के इस कार्य से खुश हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है इसके बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ कि चंद्रयान मिशन को सफल बनाने के लिए नासा का साथ मिल रहा है इसरो को। नासा जो है आज जो अपना लैंडर था विक्रम, उसके ऊपर से अपना ऑर्बिटर गुजारेगा और वहां से मैसेज फ्लैश करेगा लैंडर के लिए। अगर कोई कनेक्टिविटी मिलती है तो ये नासा जो है अपनी डिटेल इसरो के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि कल जो है ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने कैलिफोर्निया में बैठ के एक रिसर्च किया था, जिसमें से कि उन्होंने ऑर्बिटर से लैंडर को कोड भेजे थे CH2O और CH2L, जिसमें से कि लिंक जो है कनेक्ट की गई थी लैंडर और ऑर्बिटर के बीच में, जहां से कि दो तरह के लिंक जाते हैं, एक अपलिंक होता है एक डाउनलिंक होता है, यानी कि जो हम मैसेज भेजते हैं वहां से मैसेज आती है। तो आपको बता दूं कि ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है ऑस्ट्रेलिया एजेंसी की तरफ से। जो हमारा अपलिंक मैसेज है, यानी कि हमारे जो ऑर्बिटर जो मैसेज भेज रहा है वो लैंडर रिसीव कर रहा है, लेकिन लैंडर जो है वापस मैसेज नहीं भेज पा रहा है, यानी कि डाउन लिंक जो है लैंडर के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ नहीं है। हो सकता है हमारा संपर्क जो है वापस लैंडर और ऑर्बिटर के बीच में जल्द ही एक या दो दिन के अंदर में हो सकता है, क्योंकि देश की ही नहीं पूरी दुनिया की जो तमाम स्पेस एजेंसी है वो इस कार्य में भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है और कर रही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।